जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में जमीन के रेट बढ़ा दिए हैं। ये बढ़ोतरी 7 साल के बाद हुई, हालांकि इसके लिए पिछले कई साल से लोग इंतजार कर रहे थे। अब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस कदम से जयपुर में घर बनाना महंगा हो जाएगा। अभी तक राज्य सरकार की मंजूरी न देने से ये मामला लटका हुआ था। अब जमीनों की आरक्षित दरों में बदलाव किया गया। प्रति वर्ग मीटर आवासीय दर 5,000 से 33,000 रुपए वर्ग मीटर तक की गई है, जिसमें कुल 233 योजनाओं और क्षेत्रों को शामिल किया गया है। जैसे कालवाड़ रोड स्थित गोकुल नगर में सबसे महंगी 33,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर आरक्षित दर रखी गई। गोकुल नगर में जमीन के दाम 30,000 से बढ़ाकर 33,000 कर दिए गए। वहीं सबसे कम आरक्षित दर बल्लूपुरा और लखेसरा में 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई। जो रेट बदले गए इनमें से ज्यादातर के रेट में 5 से 6,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर दर बढ़ाई गई। इसमें 80 से 100 फीट तक चौड़ी सड़कों पर 10% और 100 फीट से अधिक चौड़ाई वाली सड़क पर 15% अधिक आरक्षित दर देनी पड़ेगी। कमर्शियल दरें आवासीय से दोगुनी होंगी। स्थानिक आरक्षित दर आवासीय आरक्षित दर से 25% अधिक होगी। इतना ही नहीं, इकोलॉजिकल जोन में आरक्षित दर 1,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर बढ़ाई है। जोन में आरक्षित दर 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 6,000 रुपए रखी गई। लाल कोठी और शहकार मार्ग पर 20,000 से बढ़ाकर 25,000, रामबाग सर्किल से 22 गोदाम सर्किल तक 30,000, मेट्रो इनक्लेव में 20,000 से 26,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर रहेगी। एयरपोर्ट इनक्लेव पर 25,000 से बढ़ाकर 30,000 प्रति वर्ग मीटर रहेगी। यहां पर बदली दरें गोकुल नगर में अब 33,000 रुपए, गिरधारीपुरा में 24,500, सी स्कीम में 32,500, सिविल लाइन्स में 32,500, JLN मार्ग 26,000, बजाज नगर में 23,500, मालवीय नगर 19,500, विद्याधर नगर में 24,000 और रामबाग सर्किल में 25,000 रेट तय किया गया है।